नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube के एजुकेशनल चैनल आर्टियन कला में। आज हम पढ़ेंगे, जानेंगे जमात खाना मस्जिद के बारे में। जमात खाना मस्जिद है क्या, कहाँ है और इसे कौन बनवाया था, आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जमात खाना दो शब्दों से मिलकर बना है, अरबी शब्द जामा और फारसी शब्द खाना, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जमात खाना मस्जिद का निर्माण 1313 ईस्वी से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के समीप करवाया था। पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित इस मस्जिद में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है और इस मस्जिद में कोने कोने पर कमल के पुष्प उकेरे गए हैं, जो हिंदू शैली के प्रभाव को दिखाता है। ये जो कमल के फूल उकेरे गए हैं उससे ये हिंदू शैली के प्रभाव को दिखाता है और उसी पर कुरान की आयतें जो हैं उसके बगल में वहाँ पे कोने कोने पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं, उकेरी गई हैं। इस मस्जिद में तीन कमरे बनी हैं, जिसमें से किनारे किनारे पर दो कमरे जो बने हैं वो आयताकार में बने हैं और जो मध्य में बना है वो कमरा चौकोर बना है, बड़ा बना है। पूर्ण रूप से इस्लामिक परंपरा में निर्मित यह भारत की पहली मस्जिद है। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनवाया था, तो खिलजी वंश के शासक काल में पूर्णतः निर्मित अन्य निर्माण कार्यों में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी द्वारा भरतपुर में निर्मित ऊषा मस्जिद एवं जिक्र खां द्वारा निर्मित निजामुद्दीन औलिया की दरगाह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये रही जमात खाना मस्जिद के बारे में। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने व्हाट्सएप फेसबुक के ग्रुप में, एजुकेशनल ग्रुप में इसे शेयर करें। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।